हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव वर्क स्टेशन, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल कैट गुरु। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक। आज हम कुछ कमांड सीखेंगे, और ठीक है, जैसे कि हम जो आज कमांड सीखने वाले हैं उनका नाम बता दूँ मैं आपको, वो है आपका आज रेक्टेंगल, इसी के अंदर एक है पॉलीगन। रेक्टेंगल सीखेंगे, पॉलीगन सीखेंगे, और एक सीखेंगे फिलेट और चैम्फर। ठीक है, तो आज हम ये चार कमांड सीखेंगे, रेक्टेंगल, पॉलीगन, फिलेट एंड चैम्फर। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, आप रेक्टेंगल पे क्लिक भी कर सकते हो वरना कीबोर्ड से आर ई सी टाइप करके भी एंटर कर सकते हो। आर ई सी रेक्टेंगल। अब हमने रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल लेते ही कमांड लाइन पे क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तो मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 0.0 ले लेता हूँ। अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो अदर कॉर्नर पॉइंट मैं ले लेता हूँ 50.40। तो ये आपका 50.40 का रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, आ गई आपकी चीज समझ में। ठीक है, इसी के अंदर एक अगला है पॉलीगन, तो पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन पे हमने क्लिक किया। अब पॉलीगन पे क्लिक करते ही वो बोलता है एंटर द नंबर ऑफ साइड, तो आप इसके अंदर कितने भी साइड डाल सकते हो, 5, 6, 7, 8। तो सपोज मैं पहले डाल देता हूँ 8, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए मेरे 8। स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन, सेंटर ऑफ पॉलीगन डाल दो, तो अभी मैं डाल देता हूँ सेंटर ऑफ पॉलीगन 0.0। अब इसमें एक बोल रहा है इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल, मतलब इसका कहने का मतलब है इनस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब या फिर सर्कल के अंदर या फिर सर्कल के बाहर, सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। तो ये ड्रॉ करने के लिए पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सर्कल, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ 0.0, और मैं इसको रेडियस दे देता हूँ इतना। ठीक है, अपने हिसाब से दे दिया, रैंडम रेडियस दे दिया मैंने। अब इसके अंदर मुझे पॉलीगन बनाना है, मैंने पॉलीगन लिया, बोला एंटर द नंबर ऑफ साइड्स, एंटर द नंबर ऑफ साइड्स मैंने 8 कर दिया, बोला स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ पॉलीगन, तो सेंटर ऑफ पॉलीगन ये रहा। अब बोल रहा है इनस्क्राइब इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब इन सर्कल, तो अगर आप इनस्क्राइब करोगे तो ये सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स 8, सेंटर पॉइंट ये, आपकी बार सर्कमस्क्राइब कर लेते हैं, सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर बनेगा आपकी बार, ये सर्कल के बाहर, ये सर्कल के अंदर, ये इनस्क्राइब इन सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब अबाउट द सर्कल। ठीक है, इसी के अंदर एक चीज और है, पॉलीगन लिया मैंने, पॉलीगन फिर से बोला नंबर ऑफ साइड, मैं आपकी बार नंबर ऑफ साइड 10 लेता हूँ। इसके अंदर एक देखो स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन और एज, तो आप एज से भी ले सकते हो, तो मैंने एज क्लिक किया, तो बोला स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एज, तो डाल देता हूँ 0.0। इससे आप अपनी एज डाल दो, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक, तो या इस एज से आपका ये पॉलीगन बन गया है जिसकी जो साइड्स हैं वो 10 है। ठीक है, आपको पॉलीगन समझ में आ गया। ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं एक बार, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम सीखेंगे फिलेट, फिलेट क्या काम करता है, फिलेट जो काम करता है ना वो इस जो ये कॉर्नर होते हैं इसे स्मूथ कर देता है। तो फिलेट पे क्लिक किया मैंने, बोला स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उससे पहले हम इस पे रेडियस पे क्लिक करेंगे, रेडियस, क्योंकि अगर मैं स्मूथ करूंगा तो कोई ना कोई आर्क फॉर्म होगी और वो आर्क किसी ना किसी रेडियस को फॉलो करेगी, तो मैं रेडियस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आर एंटर, या फिर रेडियस पे क्लिक भी कर सकते थे, और मैं अपने रेडियस दे देता हूँ 20 का। ठीक है, अब बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो पहला ऑब्जेक्ट, अब बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, रिपीट फिलेट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। देखिए इसके जो कॉर्नर है वो स्मूथ हो गए ना। इसी के अंदर एक दूसरा है चैम्फर, CHA, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो वरना आप CHA भी टाइप कर सकते हो,
CHA, चैम्फर आ गया। इसमें वो क्या करना है, हमने फिलेट के अंदर आर टाइप किया था, चैम्फर के अंदर डी टाइप करेंगे, डी एंटर। अब बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो पहला चैम्फर डिस्टेंस मैंने 10 दे दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, तो सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी मैंने 10 दे दिया। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस मतलब फर्स्ट लाइन के लिए और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मतलब सेकंड लाइन के लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। आप इसमें ना वैल्यू चेंज कर सकते हो, जैसे कि दोबारा करके देखते हैं, चैम्फर CHA, डी एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 20, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 15। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकेंड, तो फर्स्ट 20 हो गया और सेकेंड 15 हो गया। ठीक है, तो ये यूजेस थे आपके फिलेट के, चैम्फर के, रेक्टेंगल के और पॉलीगन के। अब ये चीज़ पॉलीगन के अंदर भी कर सकते हो। पॉलीगन लिया मैंने, नंबर ऑफ साइड 6 कर दिया आपकी बार, सेंटर पॉइंट मैंने कहीं भी ले लिया, सपोज ये सेंटर है मेरा, तो मैंने आपकी बार इन स्क्वायर से कर दिया, तो सपोज मेरा ये बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये कॉर्नर मेरे स्मूथ हो जाए, तो इसमें आप फिलेट यूज कर सकते हो, एफ शॉर्ट फॉर्म है, एंटर, रेडियस के लिए आर, एंटर, रेडियस आपने 20 दे दिया आपकी बार भी, इसके और इसके बीच में राइट क्लिक, इसके और इसके बीच में राइट क्लिक, इसके और इसके बीच में, तो ये आपका फिलेट हो गया। अब इस तीन साइडों में हम चैम्फर कर लेते हैं। चैम्फर के लिए क्या होगा, CHA, एंटर, डी एंटर, तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 20 दे दिया, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 15 दे दिया, फर्स्ट तो ये सेकंड। ठीक है, अब की बात चेंज कर लेते हैं, CHA, एंटर, डी एंटर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 10, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस 30, फर्स्ट सेकंड, तो ये चैम्फर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो आपको ये चारों कमांड समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके साथ नए नए वीडियो के साथ आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।